एंड वी डिपेंड द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारी लाइफ है ना ह्यूमन लाइफ, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल फूड है, क्लॉथ है, मेडिसिन्स है और मिल्क है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, इसमें फ्यूल्स में फॉसिल फ्यूल्स भी आ जाएंगे, पेट्रोलियम गैस, कोल थार वगैरह, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। तो ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारी लाइफ की सर्वाइवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में वन बाई थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन से मिलकर बना हुआ, कितना? हमारे बॉडी का 1/3 पार्ट कार्बन से मिलकर बना हुआ। तो हमारी बॉडी के जो मेन मेन कंपोनेंट है ना, जैसे हम फूड की अगर हम बात करते हैं, फूड के जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, है ना? तो इनमें मेन कंपोनेंट क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन है, ब्लड का फॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए और आरएनए कैरी करते हैं, डीएनए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे हम बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, जिसका हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ये खुद भी किससे मिलकर बना हुआ बेटा? कार्बन से मिलकर बना हुआ, मतलब ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा अहम रोल है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप से खोजे गए थे, किसने खोजा था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो उसके बारे में कुछ हम थ्योरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर करने की, वो है बेटा वाइटल थ्योरी। कौन सी है? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? तो वाइटल फोर्स थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका अभी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को शुरुआत में ये माना जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस नहीं कर सकते। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, ये सबसे पहले ये माना जाता था। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले हैं वो किन से मिलकर बने हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी में बता रहा हूँ। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो प्लांट से मिले हैं हमें, या फिर हमें एनिमल से मिले हैं। या तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिले हैं? प्लांट से मिले, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किससे मिले हैं? एनिमल से मिले हैं। तो या तो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको हम लेबोरेटरी के अंदर बना नहीं सकते। ये थ्योरी सबसे पहले आई थी, जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? तो ये जो थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बर्जीलियस। क्या थे? कौन थे? बर्जीलियस। मैं इस पे लिख रहा हूँ बर्जीलियस। ये साइंटिस्ट थे स्वीडिश स्वीडिश स्वीडन के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस को बताने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने हैं इसको बताने के लिए ये थ्योरी सबसे पहले आई थी। और इस थ्योरी का
अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, उसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो या तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए हैं या फिर उनको हमने एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद में काफ़ी टाइम बाद में साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1828 में, बता देता हूँ बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1828 में, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिच वोलर, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिच वोलर, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस किया था। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया था वो था बेटा यूरिया। ये या आप याद रखेंगे, ये या आपके जीके का क्वेश्चन भी बनता है। तो फर्स्ट कंपाउंड दैट एक्सट्रैक्ट और दैट सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया, यूरिया था। तो यूरिया का डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडरिच वोलर। उन्होंने 19 सेंचुरी में, मतलब 1828 में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था, लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बनाया था, और उस कंपाउंड का नाम है यूरिया। तो इन्होंने जो यूरिया बनाया था ना, ये एक्सीडेंटली यूरिया बना है, ये बनाना कुछ और चाहते थे लेकिन यूरिया बन गया। तो इन्होंने यूरिया बनाया था अमोनियम सल्फेट से। इन्होंने क्या किया था? अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट है बेटा, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन इन्होंने करवाई थी पोटेशियम साइनेट से, KCNO। KCNO को हम बोलते हैं पोटेशियम साइनेट, क्या कहते हैं इसे हम? पोटेशियम साइनेट। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी, जब वोलर ने पोटेशियम अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करवाई थी, तो एक कंपाउंड बना था जिसका नाम है, जिसका फॉर्मूला NH4CNO, और नाम है इसका अमोनियम साइनेट। ये क्या है? अमोनियम साइनेट है। अब इसका क्या हुआ बच्चों? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको क्या किया आगे? गर्म किया इसको, इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया। ये दो मॉलिक्यूल बने, मतलब दो मोल इसके बन गए, इसको किया गर्म आगे। तो गर्म करने से क्या हुआ बच्चों? रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट किसकी वजह से हुआ? जब हमने इसको हीटअप किया तो क्या बना? NH2CO, NH2। ये क्या है? ये यूरिया है। तो यूरिया बना किसके किसके द्वारा हमने बनाया है? अमोनियम साइनेट के द्वारा बनाया। अमोनियम साइनेट कैसे बना? जब अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? पोटेशियम साइनेट से कराते हैं, अमोनियम साइनेट बनता है। और K2SO4, K2SO4 का मतलब है पोटेशियम सल्फेट, ये रिमूव हो जाता है। अब हमें क्या किया बोलर ने? अमोनियम जो साइनेट है इसको हीटअप किया। जब इसको हीटअप करते हैं तो इसके जो 2 मोल हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम साइनेट, ये क्या हो जाते हैं? वापस रीअरेंज हो जाते हैं, और रीअरेंज होके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक्चुअल में ये क्या है? ये यूरिया है। तो इनको बनाना था कुछ और प्रोडक्ट, लेकिन एक्सीडेंटली ये प्रोडक्ट इनको मिल गया। अब ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना है यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे आप लोग। फर्स्ट कंपाउंड यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना है, इसको किससे सिंथेसिस किया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसको सिंथेसिस किससे किया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको सिंथेसिस किया था। तो जब बोलर ने इसकी डिस्कवरी कर ली थी, जब बोलर ने यूरिया बना लिया था किसके हेल्प से? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की हेल्प से यूरिया बना लिया था। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो बर्जीलियस ने दी थी, उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसिस कर ही नहीं सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो सिर्फ हम प्लांट और एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो थ्योरी फेल हो गई।
वो थ्योरी फेल क्यों हो गई? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किसकी हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं, जो कि होलर ने प्रूफ करके बता दिया। तो ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई, ये सारी हम बता रहे हैं बेसिक चीज़ें, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, वो हम यहाँ पे आप लोगों को लेके चल रहे हैं, बिगनिंग से आप लोगों को लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद में हम बता देते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कार्बन। तो सबसे अब हमारे पास में बात आती है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या है, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पॉइंट अब आता है निकल के कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर इसको बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन और इसकी मीनिंग समझ में आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो डेफिनेशन से बताया हुआ है, द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कार्बन, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये सबसे पहले डेफिनेशन दी थी किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बताने के लिए सबसे पहले क्या दी थी, डेफिनेशन बताई गई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इस टाइप से बता सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन अब वैलिड क्यों नहीं है, रीजन मैं बता देता हूँ बच्चों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें भी कार्बन है, इसी टाइप से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है CH2 इसमें भी कार्बन है, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं लाइमस्टोन, इसमें भी कार्बन है, देखो ये कार्बन है ठीक है। इन सब में कार्बन होते हुए भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि इसके अंदर क्या है, कार्बन मौजूद है, कार्बन मौजूद होते हुए भी कंपाउंड कैसे हैं, सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो डेफिनेशन दी थी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कार्बन, ये डेफिनेशन बाद में फेल हो गई। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल में डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो मैं अभी आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, तो ध्यान देंगे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो आप लोगों को ये वर्ड समझना है बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स, ये पॉइंट आप लोगों को समझना है। वैसे आप लोगों ने 10th क्लास में सीख लिया होगा बच्चों कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड में क्लास 10th में सीखा होगा, जो 4th चैप्टर है क्लास 10th का उसमें आप लोगों ने सीखा होगा, कार्बन एंड्स कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। वो सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जिससे CH4 है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, मतलब इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर ये फॉर्मूला बना है CH4, इसे हम बोलते हैं मीथेन। अब अगर हम एटम्स की बात करें तो कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इसमें दो टाइप के एलिमेंट है, कौन कौन से, एक तो कार्बन एलिमेंट है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, दो टाइप के एलिमेंट है और टोटल 5
पांच एटम्स हैं और दो टाइप के एटम्स हैं, कौन कौन से, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं इथेन की, C2H4, तो इसमें भी देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसी टाइप से एक और हम बता देते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन में, जैसे एग्जाम्पल है C6H6। तो ये C6H6 एक्चुअल में क्या है, बेंजीन है। ये क्या बेटा, बेंजीन। तो ये इसको हम बेंजीन बोलते हैं। इसमें भी देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, C6H12O6, क्या इसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है, इसमें देखो कार्बन है हाइड्रोजन है लेकिन इसमें साथ में ऑक्सीजन भी आ गई, तो इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए और उसमें हाइड्रोजन होने चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब इसके डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है बेटा, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, अगर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो उसके क्या बन जाएंगे, डेरिवेटिव बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बटर है, बटर मिल्क है, मक्खन है, छाछ है, दही है, ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, कौन कौन से, बटर, कर्ड, बटर मिल्क, ये सारी चीजें क्या है, किसकी डेरिवेटिव है, मिल्क की डेरिवेटिव। मतलब मेन जो कंपोनेंट था वो क्या था, मिल्क था, उसी को थोड़ा सा चेंज करके हमने बटर ऑब्टेन किया, हमने कर्ड ऑब्टेन किया, कर्ड बनाया और उसी से हमने क्या किया, बटर मिल्क ऑब्टेन किया। तो ये सारे क्या है, ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क ओनली। सिमिलरली इफ वी मॉडिफाई द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी अगर रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हम किसी दूसरे एलिमेंट से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, इसके डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मीथेन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का मतलब एच न्यू, क्या मिलेगा हमें, सी एच थ्री सी एल। तो ये क्या है, क्लोरोमीथेन। ये जो क्लोरोमीथेन है ना, एक्चुअल में किसका डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, बात समझ में आ गई। इसी टाइप से इसकी रिएक्शन अगर हम और आगे एच न्यू से करवाते हैं तो CH2Cl2 मिलता है। ये किसके सारे डेरिवेटिव है बच्चों, ये सारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेन जो पढ़ेंगे किसकी केमिस्ट्री है, ये हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग या ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको ये मीनिंग नहीं समझना है कि जिसके अंदर कार्बन है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट में भी कार्बन है। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड होंगे तो या तो हाइड्रोकार्बन होंगे खुद, या फिर हाइड्रोकार्बन के क्या होंगे वो डेरिवेटिव्स होंगे, उन सभी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ गई आपको, पॉइंट क्लियर है बच्चों। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, पॉइंट तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो चार होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ये यूनिक फीचर है इसका, यूनिक फीचर ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट का यूनिक फीचर क्या है, टेट्रावेलेंसी। इसकी टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी का मतलब है चार वैलेंसी होती है। एटॉमिक नंबर आप सभी बच्चों को पता होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 देन 2px1 2py1 एंड 2pz0। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर कार्बन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1s2 2s2 2p2, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो p ऑर्बिटल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है,
लेकिन कार्बन में, कार्बन के गैस में पी ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, बाकी के सारे ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं। बात समझ में आ गई, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन का। अब अगर कार्बन को, जैसे अगर हम डायरेक्ट लिखें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2.4 है ना, 2.4 लिख सकते हैं। तो ये के सेल है और ये एल सेल है, तो आपको पता है बच्चों, तो एल सेल है ना, ये क्या है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो एटम है ना, वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। कैसे भी करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, मतलब उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कार्बन के केस में देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है ये वाले देखो, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट। कैसे, अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, या अगर चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव कर देता है, तो इस कार्बन का क्या कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकता है, अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे बेटा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो है, 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर ले, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कार्बन के केस में, कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना कार्बन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क क्यों है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो कार्बन के एटम को बहुत ही ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेंगे। या फिर अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को एक्सेप्ट करना है, तो कार्बन के एटम के पास में लार्ज अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए रिलीज करने के लिए, जो कि कार्बन के पास में अवेलेबल नहीं होती है। इस वजह से कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, न इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अब बात आ गई कि ये कार्बन या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो ये कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। तो कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कार्बन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो कार्बन जब भी कंपाउंड बनाता है बेटा, कार्बन जब भी कंपाउंड बनाएगा, या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कैसे होते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं। उसमें बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है शेयरिंग होती है। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हैं, उनमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीखने के लिए है मीथेन। क्या है बेटा, मीथेन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। तो इसको हम देख लेते हैं, तो ये कार्बन और
हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? हाइड्रोजन है चार, ये 1, 2, 3 एंड 4। अब सब हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब हमें पता है कार्बन के पास में भी चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के पास में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के चार इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन को क्या करना है? सिर्फ हाइड्रोजन को सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट आराम से कंप्लीट हो रहा है, देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन का आराम से डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है ये। अब कार्बन को क्या करना है? कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए इसके। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखो तो इस टाइप से इसमें क्या बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर दो एटम के बीच में एक सिंगल लाइन हो तो उसे बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस टाइप से ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस टाइप से इसमें बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कार्बन का बेटा, कैटेनेशन, जो हमने कल भी पढ़ लिया था, सीख लिया था। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है बच्चों? कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, लॉन्ग चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दुनिया के अंदर, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियंस ऑफ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में से 95% जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मैन मेड है। मैन मेड का मतलब इनको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस किया गया है, इनको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस किया गया है। प्लांट और एनिमल से सिर्फ 5% ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं अभी तक। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन है अभी तक मिल गए हैं, और इसमें से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा? मैन मेड है, जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाए गए हैं। प्लांट एनिमल से सिर्फ 5% ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले हैं। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द कार्बन, सिर्फ कार्बन के पास में है ये इम्पोर्टेंट फीचर, जो है बेटा कैटेनेशन। ये कैटेनेशन ही इसको यूनिक बनाता है। कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है, यही कार्बन को क्या बना देती है? यूनिक बना देती है। कैटेनेशन हमने पहले ही बता दिया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो कैटेनेशन में क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, अपने जैसे ही दूसरे कार्बन एटम के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अपने जैसे ही दूसरे कार्बन एटम के साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बना के ये लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है या ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। देखो, कार्बन कार्बन से कनेक्ट होकर या तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, या फिर ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना लेगा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, अभी मैं बताऊंगा क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है, या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो ये सारा किसी से पॉसिबल हुआ बच्चों? कैटेनेशन से पॉसिबल हुआ। इस टाइप की स्ट्रक्चर है ना, जो लीनियर वे में है, वो तो होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर, दूसरी जो स्ट्रक्चर है ब्रांच स्ट्रक्चर, तो वो इस टाइप से हो सकती है, इसमें ब्रांचिंग हो सकती है। वो इसी के अंदर आप लोग पढ़ोगे बच्चों, जैसे ये कार्बन, यहाँ से और कार्बन जुड़ा हुआ, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ और यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, यहाँ कार्बन जोड़ दिया, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गए, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गए। और अगर हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो गए बेटा। कार्बन कार्बन आपस में कंबाइन होकर एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन की चार वैलेंसी,
ये कार्बन की, हर कार्बन की चार वैलेंसी, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, तो चार वैलेंसी, तो इस टाइप की ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना लेता है। अब क्लोज चेन में ये हेक्सागोनल ही बनेगा, जरूरी नहीं है, किसी टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है क्लोज चेन में, इस टाइप की स्ट्रक्चर भी बन सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है बेटा, कैटेनेशन से पॉसिबल हुआ। तो कैटेनेशन सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गई है। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, कार्बन जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी कार्बन के बनते हैं, तो उसमें उसका क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को वापस रिवाइज हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ एल्केन। एल्केन का शेप कैसे होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ बच्चों, कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो एल्केन में मिलता है, एल्केन में, एल्केन्स में। तो एल्केन्स क्या है बेटा जी, एल्केन्स है हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा हाइड्रोकार्बन। तो सिंपलेस्ट टाइप के ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्केन। और एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में, क्या बता रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसे हम बोलते हैं एल्केन्स। फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा, CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं, n की वैल्यू हम क्या लिखते हैं बेटा, n की वैल्यू अगर 1 लिखते हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे, अगर n की वैल्यू 1 लिखते हैं तो CnH2n+2 C1H2 × 1+2, तो फॉर्मूला आ जाएगा बेटा CH4। क्या आ जाएगा? CH। अब ये CH4 एल्केन है, इसमें ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये क्या आएगा, sp3। अगर कार्बन ध्यान देंगे बच्चों, अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है।